तो आज मैं दिखाऊंगी मेरी मम्मी घी कैसे बनाती है। प्याज जो है बेल रख रहा है अपने थैले में। और अब जो है यहाँ क्रियांश की जो है सभी को याद आ रही है, जाहिर सी बात है जी, हम भी बहुत मिस कर रहे हैं अपने बेटी को। तो आज चलेंगे उन सबको लेकर के आएंगे। तो अब जो है तुम्हारे पोता को लाया जाएगा। और यहाँ पे हमारी मम्मी बनाने वाली है घी। तो आज मैं दिखाऊंगी मेरी मम्मी घी कैसे बनाती है। इसमें जमा करके इसको फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रिज से निकाली है और इसको मथेगी इससे। अच्छे से कितना मिनट लाए थे मम्मी? 8-10 मिनट। 8-10 मिनट तक एकदम आराम से इसको मथते रहिए। तो इसमें मम्मी डाल दी पानी, पहले से भी पानी डाली थी, मम्मी को बोले थोड़ा और डाल के दिखा। वाह, ये देखिए सबको पसंद। तो यहाँ पे मम्मी देख सकते हैं कितने अच्छे से निकाल दिए। और भी था छाली, लेकिन सभी लोग चोरी कर करके मम्मी का छाली खा लिए। मम्मी छाली जमा कर करके रखती है दूध पर का उतार के, कि उसका घी बनाएंगे। और यहाँ पे सब पापा खा लेते हैं निकाल के छाली, क्योंकि पापा और शिवम को बहुत ज्यादा छाली पसंद है, हम लोगों को बिल्कुल छाली पसंद नहीं है। और इसके बाद ये इसको जो है मम्मी फ्रिज में रख देगी 1 घंटे के लिए। कम से कम 1 घंटा तो जरूर रहना चाहिए, बाकी आप 1 दिन भी रख सकते हैं, 2 दिन भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन 1 दिन के लिए तो मतलब 1 घंटे के लिए तो जरूर रखें। और जब मम्मी इसको घी को भड़काएगी बनाएगी तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज रोटी बनाने का कोशिश कर रही थी, देखिए रोटी कैसा बना है। कितना बढ़िया तो बना है। हाँ बढ़िया, स्क्वाड सा लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा बना है। ये अच्छा बना है, लेकिन कोई एक दो खराब हो जाता है इसका मतलब थोड़ी है कि सब खराब हो जाएगा। बताओ आज मम्मी का तबियत खराब था, सोचे बना देते हैं हमने। तुम लोग रोज कहता था बड़ी मम्मी से चूल्हा पे बनवाती है, आज हम भी ट्राई करते हैं चूल्हा पे बना। ठीक है, आओ खाना खाने के लिए। तुम भी आ रहे हैं? आ रहे, एक तो खा ही रहा है। The next day. मॉर्निंग आप सभी को, हमारा चाय आ चुका है और हमारा बेटा जो है ना यहाँ पे एकदम मौज में है। एक बार भी मेरे को पूछता नहीं, आराम से सुबह उठता है अपनी मौसी के साथ या फिर मामा जी के साथ घूमने जाता है, घूम के आता है, फिर अपना दूध पीता है, केला खाता है या फिर दूध पी के जाता है, शायद दूध पी के जाता है, घूमने जाता है मॉर्निंग वॉक में, फिर वो आता है केला खाता है, फिर गया है फिर घूमने। और मैं भी आराम से हूँ और चाय पी रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी के हाथ का चाय। और चलते हैं किचन, देखते हैं मम्मी क्या बना रही है। कल आई थी मम्मी हॉस्पिटल से, तो उनका थोड़ा सा तबियत खराब हो गया था, थोड़ा सा भी ट्रेवल करती है ना तो उनका तबियत खराब हो जाता है। तो चलते हैं। तो जैसे ही किचन में आए मम्मी बोली कि पपीता काट दो, 2-3 दिन से पपीता रखा है, पपीता नहीं कटा है, तो मैंने सोचा पपीता काट देते हैं। और सच में नहीं तो खराब हो जाता है, और इतना अच्छा पपीता है। और पता चला सोजन की सब्जी बनेगी जो कि बहुत अच्छा होता है। और देखते हैं क्या क्या बनाती है, आप लोगों को दिखाएंगे। पहले पपीता काट के सबको दे देते हैं, और ये बहुत बड़ा पपीता है, तब से काट के कट ही रहा है। और क्रियांश जो उधर दूध पीना नहीं चाह रहा है, चिल्ला रहा है, तो चलते हैं उसके पास भी। क्रियांश जो है बेल रख रहा है अपने थैले में ही। बेल क्या रखेगा, बार बार रख रहा है, बार बार निकाल रहा है। देख रहे हो ना नानी, घर आके मेरा तो एक अभी उठाएगा, इसका है पावर की उसको उठा पाएगा। मम्मा नहीं उठा पा रही तो तुम कहा उठाओ। नहीं नहीं क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, एक नहीं सुनता है मेरा ये लड़का, बहुत बदमाश हो गया है। उसको रखो ना बेटा, टूट जाएगा। अच्छा निकाल देते तब, देख रहे हो अपना ही थैला उठाएगा, लो बोला निकाल देते तब उठाओ तू। ये निकाल रहे हैं सारा बेल निकाल रहे हैं, इसमें से एक थोड़ा रख देंगे तब तुम उठाना। ठीक है लो उठाओ, जा उठा उठाओ। उठ गया, इतना बदमाश हो गया। लो पानी पियो, पानी मम 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 पी लो मम। वाह और पियोगे? और जा रहा है नाई नाई करने। क्या नाई नाई करेगा अब, बता दो सबको। क्रियांश नहाने के लिए रो रहा है। हाँ इसको नहाना है, बोल दो मुझे नाई नाई करना है, मम्मा नाई नाई नहीं कराती है। बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो क्रियांश जा रहा था नहाने के लिए, इसको बीच में ही बकरी दिख गई। हाँ क्रियांश बकरी के साथ मंस, पोज कैसे दे रहा है, मस्त है। जाओ घास खिला दो, नहीं घास खिलाओ, जाओ बोल दो मैं नहाने जा रहा हूँ, बोल दो। हाँ हाँ क्या कर रहा है, गुस्सा कर ली मौसी। हाँ गुच्छा कर ली बता दो। तो हमारे घर के पीछे ये घर है जहाँ पे ना बकरी सब क्रियांश आके यहाँ पे खेलता है। हाँ क्रियांश बोलो ना, बता दो सबको। यहाँ पे क्रियांश आके जब इसको मन नहीं लगता, यहाँ पे बकरी है, खरगोश है, गैया है, क्रियांश सब के साथ खेलता है और छू छू भी कर लिया।
घास खिलाओ, इसको खिला दो, इसको आमे खिलाइए, आमे आ जे, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम जे। इधर भी है, देखो इधर भी है क्रियांश। चलो अब चलो, नहीं नहीं करना बेटा, बाय कर रहा है, बाय कर रहे हो, बाय कर दो, बाय मामा जी, बाय। हाँ जाओ ना, बाय बाय। खेलो बकरी जब मिल जाती है किसी को नहीं पूछता है। अरे कबल जो, चलो नहाने, छप बोला है नहा लो, गंदा लड़का बन गया क्रियांश। 20 minutes later. क्रियांश जब देख लिया ना बकरी को, तो बकरी के साथ ही सिर्फ खेलना था, उसको नहाना ही नहीं था ना सोना था। ये ना जब से यहाँ से मतलब वहाँ से आया है दादीगर से नानीगर, ये चाहता है कि मैं सोऊं नहीं, सिर्फ खेलता रहूं, सिर्फ दरवाजे पे जाऊं खेलते रहूं। और लेकिन इसका टाइम है सोने का, तो मैं उस टाइम को छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, उसके टाइम पे ही सारा कुछ करती हूँ जो भी हो। और ये अभी सो गया है, सो गया तो इतना शांत लग रहा है, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। तो चलते हैं कुछ खाना खाते हैं और देखते हैं क्या क्या मम्मी बनाई है, कुछ स्पेशल ही बना होगा, तो चलते हैं। और इसमें है रोटी सलाद, ये है कद्दू की सब्जी जो तो बहुत बेकार, इसमें दाल, और इसमें मम्मी बनाई है आलू और सोहजन की सब्जी। हाँ इसको देख सकते हैं, ये अपना खाली हमको छोड़ के, और खाने वाला कटोरी देखिए कितना बढ़िया था, जमा करे जा रही है, ये छोटी वाली कटोरी में बैठ के खा रही थी, और यहाँ सीरियल देख रही है। बाकी इस इंडक्शन पे क्या है, चावल बन रहा है सर, चावल बन गया है। मम्मी का जुगाड़ देखिए कैसे इंडक्शन चलाती है मम्मी, जुगाड़ तो बहुत कुछ सामान को हिफाजत से रखा जाएगा तभी तो होगा, खाली ये है कि सामान ले लिए बस हो गया। और मुझे वीडियोस भी अपलोड करने, यहाँ पे नेटवर्क है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं है, इतना भी नेटवर्क नहीं है कि एकदम फास्ट एकदम अपलोड हो जाए, उसके लिए मुझे जाना पड़ता है दरवाजे पे। देखते हैं कोई आ जाए भाई सब, तो उसको देंगे कि जाके अपलोड करके आओ। हर टाइम मोबाइल चलाते रहता है, दूसरे का कुछ दिनों में, मई में फर्स्ट वीक में आएगा शायद इसका रिजल्ट। अच्छा ही आएगा वैसे, पढ़ाई लिखा अच्छा करता है, बाकी देखा जाएगा। और भी एक हमारा भाई है, वो आया नहीं है अभी, जब आएगा तो उसको भी दिखाएंगे आपको। तो जी लगभग हो गया है एक हफ्ता के करीब, और एक हफ्ते में जो है लगभग क्रियांश जो है दूर रहा हमसे और अपने नानी घर में है, वहाँ पर जो है एंजॉय कर ही रहा होगा। और जिया को भी इस बार मौका मिला कि अपने घर में थोड़ा समय बिताने का, क्योंकि होता क्या था कि जब से हम लोगों की शादी हुई है उसके बाद से, जब से हमने यह स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल और अपना जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस वजह से जो है कभी भी टाइम नहीं मिल पाया कि जिया जो है कभी भी तबीयत से जो है अपने घर में रह सके। तो इस बार रही हुआ, काफी अच्छा रहा जी, वो लोग भी जो है अपना समय बिताई अपने घर में। और अब जो है यहाँ क्रियांश की जो है सभी को याद आ रही है, जाहिर सी बात है जी हम भी बहुत मिस कर रहे हैं अपने बेटी को, तो आज चलेंगे उन सबको लेकर के आएंगे। मेरा गाड़ी सब भी जो है पूरा गंदा हो गया है, इन सबको जो है अब एक बार जरा साफ करते हैं, यानी तो धुलवा ही लेते हैं, आज ऐसा करते हैं, अंदर वाला क्लीनिंग और बाहर वाला क्लीनिंग दोनों ही करवा लेते हैं। तो फिलहाल बज रहे हैं जी 1:45, और इस समय जो है जाकर के हम थोड़ा गाड़ी धुलवा लेते हैं अंदर से, क्योंकि बहुत ज्यादा महक रहा है गाड़ी, तो चलिए उधर से धुलवाते हुए निकल जाएंगे। वैसे सोचे थे यहाँ से निकलेंगे 3 बजे, लेकिन काम हो गया हमारा पहले ही, तो गाड़ी सब धुलवा के और उधर से ही हम निकल लेंगे। तो अब जो है तुम्हारे पोता को लाया जाएगा, शुभकामना है ना, ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुशल पहुँच कर अपने दरवाजे तक पहुँच जाए। बिल्कुल, एक माँ यही ना उम्मीद करती है, एक माँ एक दादी सिर्फ अपने वंश से उम्मीद करती है, बिल्कुल वंश का उम्मीद करती है दोनों। ठीक है, तो चलिए जी अब चलते हैं। ये बात तो मैं नहीं कहूँगी, मेरा पोता सबसे अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, यह स्वाभिमान है, मैं सबसे अच्छी अभिमान हो गया, मेरा पोता अच्छा है।